गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. सालार नगर इलाके में अल हसन इंटरनेशनल स्कूल CBSE पैटर्न का शुभारंभ हुआ है. स्कूल प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि इस स्कूल में बच्चों के लिए अत्याधुनिक मॉडर्न सेवा सुविधाओं के साथ साथ अदब, तमीज, संस्कार और डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाएंगी. आइए जानते हैं इस अवसर पर कौन कौन मान्यवरों ने भेंट दी तथा मान्यवरों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की. सर, क्या कहना चाहेंगे? एक अलग सी पहल हुई है, विशेषतः मुस्लिम समाज में एक अनोखी पहल की है डॉक्टर अल्तमश और उनके सब दोस्त परिवार ने. इस अवसर पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे अजीज दोस्त शेख हसन साहब के और उनके भाइयों के तमाम फर्जंदान को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे फील्ड में कदम रखा है कि इंटरनेशनल लेवल का CBSE का जो सिलेबस है उसको लेकर और हौना जो MAPRD का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इंसान बच्चों को न सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है बल्कि बचपन से उनकी अखलाकी तरबियत भी की जाती है. उनके एक हाथ में इंशाल्लाह दीन होगा और दूसरे हाथ में मॉडर्न डिवाइसेस. ऐसी ये अल हसन इंटरनेशनल स्कूल जो यहाँ पर शुरू हुई है ये जलगांव वालों के लिए फख्र की बात है. और भी बहुत सारी स्कूलें खुल रही है, एक माहौल बन रहा है और मैं तो बहुत मुबारकबाद दूंगा उनको और ऐसे बच्चों को जो एजुकेशन में प्रैक्टिकल काम करके समाज की खिदमत कर रहे हैं बजाय दूसरों के घरों पे पत्थर मारने के. एक अच्छा काम करना मैं उसको ज़्यादा तरजीह देता हूँ क्योंकि समाज की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है. अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अब गवर्नमेंट ने ग्रांट का सिस्टम बंद कर दिया है और कुछ लोगों को फुकट में पढ़ने की तरगीब दे रहे हैं. अब ग्रांट का सिस्टम बंद हो रहा है जहाँ ग्रांटेड स्कूलें चलती है, एक नया पैसा उनको देने की ज़रूरत नहीं है. लड़िए उसके लिए, हम भी साथ में हैं. लेकिन जब गवर्नमेंट ग्रांट नहीं दे रही और परमिशन देने के बाद में हमारे बच्चों को पढ़ाना है तो फिर मुझे बताइए क्या हम बगैर फीस दिए के पढ़ सकते हैं? आज हमारे कॉन्वेंट के अंदर मशीनरी की जो स्कूलें चल रही है, हमारे साथ के हमारे रिश्तेदार हमारे बच्चे 30-40 हज़ार रुपये KG के देकर एडमिशन ले रहे हैं. सालाना 20-25 हज़ार रुपये फीस दे रहे हैं. आज इस लेवल की स्कूलें जो खुल रही है, जैसे टिक्की साहब भी खोल रहे हैं, अल फुरखान खुली है, बहुत सारी स्कूलें खुल रही है, अगर ये रिजनेबल फीस लेके आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. आने वाली नस्ल की एजुकेशन स्टैंडर्ड की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं. तो मैं बहुत मुबारकबाद इसलिए भी देता हूँ, हम भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं. इतने पुराने होने के बाद हम इंटरनेशनल लेवल CBSE लेवल नहीं ला सके, हमारी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हमारा समाज उस लेवल का हम नहीं समझते थे. लेकिन अब ज़रूरत महसूस करके जो नौजवान ये काम कर रहे हैं, समाज की जिम्मेदारी है कि बजाय उनकी तरफ निगेटिविटी के देखने के पॉजिटिविटी के साथ देखें, अपने अदारों की प्लेसमेंट करें, उनको अपनी बच्चों की रीजनेबल फीस दें. जैसा कि उन्होंने डिक्लेयर किए बहुत 6,000 रुपये नर्सरी, अरे 40-40 हज़ार रुपये लेकर भी एडमिशन नहीं मिल रहे. मेरा भांजा पूना के अंदर अपनी बच्ची का एडमिशन कराया KG में, मिशनरी स्कूल है, 3 लाख रुपए दिया उसे, 3 लाख. अगर हम यहाँ कहेंगे कि 1 लाख लगेंगे तो जितने आए हुए 60% तो वही बेहोश हो जाएंगे. तो मुस्लिम समाज को जिस तरीके से आज मौजूदा हालात को समझ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आना है तो फिर आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपको कॉरपोरेशन गवर्नमेंट की उन स्कूलों में एडमिशन मिलेगा जहाँ ना पेशाब खाना है, ना टीचर है, ना स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, ना मॉडर्न डिवाइसेस है. स्मार्ट ब्लैक आपने देखा, स्मार्ट बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड आगे की कंसेप्ट है. अब प्रोजेक्टर भी चले गए. स्मार्ट बोर्ड के ऊपर की तालीम का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का है. एक बोर्ड की कीमत 1-1 लाख रुपये है तो क्या घर बेच के ये सेवा करेंगे? तो मैं समाज के उन तमाम लोगों को गुजारिश करता हूँ जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, रीजनेबल फीस ली जा रही है, आप उसके अंदर उनका हाथ बटाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक स्टैंडर्ड का एजुकेशन दीजिए. और समाज के उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बजाय दूसरों की लकीर को छोटा करने के अपनी लकीर को बड़ा कीजिए, इंशाल्लाह लोग आपकी भी तारीफ करेंगे. बहुत बहुत नेक ख्वाहिशें.